हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, इग्नू की तरफ से जनवरी 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जनवरी 2025 सेशन में अपने आप को इग्नू में रजिस्टर कराना है। सो मेक श्योर आप वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन क्या होता है। सो जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट ईयर या सेमेस्टर में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। दिस इज अ काइंड ऑफ री एडमिशन इन इग्नू, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर या सेमेस्टर में जाते हैं सो आपको दोबारा से इग्नू में अपने आपको रजिस्टर करना होता है। सो उसे ही रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। सो बात करते हैं कि जनवरी सेशन में अब कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने आपको रजिस्टर कराना जरूरी है, अदरवाइज आपके 6 months टोटली वेस्ट हो सकते हैं और आपको आपके डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने में भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फुल डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे बैचलर डिग्री प्रोग्राम के। अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आपने जनवरी 2024 सेशन में इग्नू में फ्रेश एडमिशन लिया है किसी भी प्रोग्राम में, जैसे कि BA G, BCOM G, BTS, BSWG, BSCG, BSCH, BA ऑनर्स का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर कोई और प्रोग्राम है फ्रेंड्स, जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है और आपने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया था तो अब आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है। आप एलिजिबल हैं 2025 जनवरी सेशन में अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए। अब बात करते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम की। सो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपने मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जनवरी 2024 सेशन में, जैसे MAG, MHD, MAC, MAH, MSO, MAAN, MARD, MADE, MAPC, MAPY या फिर कोई और भी प्रोग्राम, ठीक है, सो MA की किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जो ईयरली बेस है और जनवरी 2024 सेशन में आपने फ्रेश एडमिशन लिया था, तो अब जनवरी 2025 सेशन में आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए। सो अगर आप बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं बट आपका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस है और आपने जुलाई 2024 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है, सो उसमें भी अपने आपको आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में रजिस्टर कराना होगा। जैसे BCA, MBA, MCA, ये जो सभी प्रोग्राम्स हैं इग्नू में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, तो एवरी 6 months के बाद आपको अपने आपको रजिस्टर कराना होता है, जैसे एवरी 6 months के बाद आप एग्जाम्स भी देते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट जिन्होंने अपने आप को री रजिस्टर कराया था जनवरी 2024 सेशन में। सो बैचलर्स डिग्री में जैसे आप फर्स्ट ईयर में फ्रेश एडमिशन लेते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, लाइक वाइज आपको थर्ड ईयर में भी अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। तो अब आप अपने आप को थर्ड ईयर के लिए जनवरी 2025 सेशन में रजिस्टर कराएंगे, जो सभी प्रोग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रोग्राम है तो आप अपने आप को रजिस्टर जरूर कराएं। अब बात करते हैं सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की। सो अगर आपने ऑलरेडी अपने आप को सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में अगर रजिस्टर कराया था जुलाई 2024 सेशन में, तो अब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने आप जनवरी 2024 सेशन में रजिस्टर कराना होगा। जैसे कि अभी प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं BCA, MCA, MBA, तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने आप को रजिस्टर कराना होगा एंड ईयरली बेस्ड प्रोग्राम को नेक्स्ट ईयर में। सो उस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स, वो एवरी 6 months के बाद जरूर किया जाता है। सो अब बात करेंगे उन स्टूडेंट की जो अपने आप को किसी ना किसी रीजन से जुलाई 2024 सेशन में रजिस्टर नहीं करा पाए थे। सो फ्रेंड्स, अब आपके 6 months तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को जनवरी 2025 सेशन में जरूर रजिस्टर करा लें, ताकि अब आपके जो 6 months है और वेस्ट ना हो और आपके डिग्री प्रोग्राम टाइम पर कंप्लीट हो जाए। सो इफ यू कुड नॉट रजिस्टर योरसेल्फ इन जुलाई 2024 सेशन ड्यू टू एनी रीजन, देन यू कैन आल्सो डू रजिस्ट्रेशन इन जनवरी 2025। अब बात करेंगे इन एलिजिबल स्टूडेंट की जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई 2024 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट हैं, तो जैसे BA G, BCOM G, BTS, अभी जिस मैंने आपको बताया, सो ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, तो अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है 2024 में, अब आपको जुलाई 2025 सेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है। जनवरी सेशन में आपको रजिस्ट्रेशन
नहीं कराना। इसी तरह से अगर हम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की बात करें तो लाइकवाइज अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2024 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है तो आपको डेफिनेटली जनवरी 2025 सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, बिकॉज ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को 1 ईयर कम्प्लीट करना होता है। आने वाले समय में जुलाई 2025 सेशन में अपने आपको रजिस्टर कराएंगे। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको अपने आप को जनवरी 2025 सेशन में रजिस्टर कराना है या नहीं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे थे जनवरी 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। सो आपको जनवरी 2025 सेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं। सो अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।